अस्सलाम वालेकुम अगेन। हेलो, वालेकुम सलाम मैम। जी मैम। आ रही आवाज? और यस मैम। कैसे आप लोग? हाँ अल्लाह का शुक्र मैम, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? ठीक ठाक। चलो अजान भी शुरू हो गई इसी टाइम पे, तो फिर देख लेते हैं। लेकिन यह है कि थोड़ा सा हम देख लें जब तक सुना पा रहे हैं। अच्छा, हमने ये एडजॉइंट इक्वेशन कर ली थी ना, एडजॉइंट इक्वेशन जिसमें हमारा था कि किसी भी इक्वेशन की एडजॉइंट इक्वेशन किस तरह से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने इसको, इसने तो पी क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको किसी भी फॉर्म में याद रख सकते हो। ए नॉट ए वन इस तरह से करके ना, मतलब यहाँ पे पी की जगह पे ए टू लिखा हो, यहाँ पे ए वन लिखा हो, यहाँ पे ए नॉट लिखा हो, तब तब भी आपको पता होना चाहिए कि जब एडजॉइंट इक्वेशन उसने लिखी हुई है किसी इक्वेशन की, तो वो कैसी आती है। जो आपके पास डी टू वाई बाई डी एक्स के कोफिशियंट है उसको उसने पी लिया हुआ है, तो उसके साथ सेकंड डेरिवेटिव उसने लगा दिया बी और वाई, और माइनस डी बाई डी एक्स के साथ जो क्यू है, क्यू एक्चुअली क्या है, जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ है, प्लस आर एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक, इसको आप जरा देखो, एग्जाम्पल उसने दी हुई थी, एग्जाम्पल भी देख लो, और ये जो थियोरम है ना इसके साथ स्टेटमेंट पढ़ो, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा आज की स्टेटमेंट क्या है, फिर तब तक अजान हो जाएगा। हाँ जी, वेलकम बैक। यहाँ पे आप लोगों को उसने एक पहले एग्जांपल दिखा ली, तो उसने एडजॉइंट इक्वेशन को देख लो, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा अपना। तो कोई भी किसी भी आपकी इक्वेशन क्या, एडजॉइंट इक्वेशन क्या होती है, जो आपका डी टू वाई बाई डी एक्स के साथ कोफिशिएंट होता है, उसके साथ वाई के साथ उसने डबल डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, और माइनस साइन के साथ डी बाई डी एक्स, जो डी वाई बाई डी एक्स कोफिशिएंट है क्यू ऑफ एक्स, उसके साथ उसने वाई ले लिया, प्लस आर एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने उस दिन इसको ओपन करके नहीं देखा था, लेकिन ये है कि जस्ट उसने इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। तो जब डेरिवेटिव अप्लाई किया है, डबल डेरिवेटिव, तो देखो कैसे आ जाएगा आपके पास, जो टर्म है हमारे पास अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो डबल कोई बन रही है डी टू वाई बाई डी एक्स के साथ पी ऑफ एक्स आ रहा है, और डी वाई बाई डी एक्स के साथ आपके पास आ रहा है टू पी डैश माइनस क्यू ऑफ एक्स, और वाई के साथ क्या आ रहा है पी डबल डैश माइनस क्यू डैश प्लस आर एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो ये एडजॉइंट इक्वेशन उसने बना लिया, तो वो फ्रीक्वेंटली वो इसी को यूज करेगा जो नंबर टू वाली है। मतलब आपने याद इसको भी रखना है, जो आपके पास एक्सप्रेशन है जो मतलब जनरलाइज फॉर्म में है, लेकिन आपकी जो उसने यूज की हुई इक्वेशन अक्सर जगह पे उसने इस सेकंड एक्सप्रेशन को यूज किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल उसने दे दिया आपको, और कहता है कि इसमें आइडेंटिफाई कर लिया है कि पी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है, और जस्ट उसने जो है वो आपकी ये जो इक्वेशन है, ये जो सेकंड वाली नंबर टू, ठीक है, मतलब एक इक्वेशन है, हमने उसका एडजॉइंट लिया, फिर अगेन जिसका एडजॉइंट लिया हुआ था उसका दोबारा से एडजॉइंट लेंगे, तो वो हमारे पास जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे उसने क्या किया, उसने जो आपकी इक्वेशन है जो दी हुई है उसको नंबर वन कह दिया, तो उसका एडजॉइंट लिख दिया पी ऑफ एक्स, ये जो आपका राइट नंबर टू एक्सप्रेशन ऊपर नहीं उसने लिखा था ओपन करके ये वाला, इसको उसने लिख दिया कि इसका एडजॉइंट होता है ये। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसने क्या किया, इस नंबर टू में ये पी ऑफ एक्स जो है उसका नाम पी वन रख दिया, और ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्सप्रेशन है इस बारे का नाम क्यू वन रख दिया, और ये सारे का सारा जो वाई के साथ एक्सप्रेशन है इसने इसका नाम आर वन रख दिया। यानी क्लियर हो गया। ठीक हो गया। तो आप देखो ये टू की शक्ल किस तरह की बन गई, पी वन एक्स डी टू वाई, मतलब एक्चुअली पी वन तो पी के इक्वल ही, लेकिन जस्ट उसने इंडेक्स नोटेशन देने के लिए ना सारों को वन वन कह दिया ना, तो फिर इसलिए इसने पी को भी पी वन कह दिया। तो ये पी वन एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स के आ गया, प्लस क्यू वन, मतलब ये जो सारा जहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स साथ जो कोफिशियंट है उसका नाम उसने क्यू वन रख दिया, और जो वाई के साथ है उसका नाम उसने आर वन रख दिया। तो ये इस तरह की शक्ल बन गई। ठीक हो गया, नंबर टू की फॉर्म ये इस तरह की बनी है। अच्छा, अब ये जो थ्री है इसकी वो एडजॉइंट इक्वेशन लिखना चाहता है, हालांकि ये देखो पहले ही किसी इक्वेशन की एडजॉइंट इक्वेशन थी, लेकिन अब क्या है उसकी वो एडजॉइंट इक्वेशन लिखना चाहता है, तो वो किस तरह से आ जाएगी आपकी, वो पी वन ऑफ एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स के प्लस वो सारा एक्सप्रेशन जो आप लोगों के एडजॉइंट इक्वेशन का है ना, टू पी वन एक्स माइनस क्यू वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस दिस सारा ये इज इक्वल टू वाई। फिर कहते हैं कि अगर हम लोग इसको देखते हैं कि पी वन हमारा किसके इक्वल था, तो पी ऑफ एक्स के इक्वल था, फिर ये जो आपके पास है टू पी वन एक्स माइनस क्यू वन एक्स, इसमें इसने वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है, तो ये जो पी वन थी वो आपकी पी ऑफ एक्स के इक्वल थी, और जो क्यू वन थी उसकी वैल्यू को उसने रिप्लेस कर दिया, तो वो कह रहा है कि वो आपकी क्यू के बराबर ही आ गई है। इसी तरह से जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है आपका तो उसने उसकी वैल्यू को रिप्लेस किया, तो वो आपकी आर ऑफ एक्स के इक्वल ही आ गई। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास नंबर फोर पे इक्वेशन बनी है वो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन ही आ गई। सही,
आपको समझ आएगी, पहले वाली भी गई। आगे मैम क्लियर हो गया, गर्ल्स को भी क्लियर हो गया बच्चों? जी मैम क्लियर हो गया। बस जस्ट ये आप लोगों ने ना इसको देख लेना है, मतलब इसमें मैनुअल वर्क थोड़ा सा है तो उसको देख लेना, बस वैल्यूज को रिप्लेस किया हुआ है और उसने एडजॉइंट इक्वेशन को जो है जब लिखा है तो उसने उसको फिर P1 Q1 R1 की फॉर्म में लिख दिया है, फिर उसने 3 की एडजॉइंट इक्वेशन लिख के फिर उसने उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर लिया, तो एक्चुअली उसकी वही इक्वेशन बन गई थी जो स्टार्ट वाली है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आप कहती है सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन, और कहते हैं सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये P(x)(dy/Qx)(dy/Rxy)=0 इज कॉल्ड सेल्फ एडजॉइंट इफ इट इज आइडेंटिकल विद इट्स एडजॉइंट इक्वेशन, और इज सेड टू बी सेल्फ एडजॉइंट इफ इट्स एडजॉइंट इज द सेम एज द ओरिजिनल। मतलब कहने का ये है कि किसी भी इक्वेशन के एडजॉइंट इक्वेशन अगर वही इक्वेशन बन जाए दोबारा से तो क्या हो जाएगी, सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन। सही क्लियर हो गया। यहाँ पे उसने आपको एग्जांपल तो कोई नहीं दी हुई, मैं एग्जांपल इसलिए दे देती हूँ आपको सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन। और अगला थ्योरम जो है वो इसमें तल्लक है कि कोई भी इक्वेशन है हमारे पास अगर एडजॉइंट नहीं, अगर उसका जो वो सेल्फ एडजॉइंट नहीं आती तो हम उसको सेल्फ एडजॉइंट किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा ये एग्जाम्पल है और सेल्फ एडजॉइंट की एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, चल मैं बहुत पसंद आ रहा हूँ बुक पे यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं कैसे स्क्रीन पे। नेक्स्ट है आपकी एग्जांपल जिसमें उसने बताना है कि वो सेल्फ एडजॉइंट है ना, तो इसकी मैं करती हूँ। अच्छा इसमें हमारे पास जो है वो एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लिखी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन x² d2y/dx² d2y/dx² और आपके पास है आपके -2x dy/dx - 2x dy/dx + 2y = 0। तो यहाँ से जो है वो हमारे पास अच्छा उसमें जो है आप लोगों ने इसके एडजॉइंट इक्वेशन निकालनी है। हाँ जी भाई फातिमा कैसे निकालते हैं एडजॉइंट इक्वेशन, निकालने का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मतलब मैम d² y/dx² हाँ, और साथ में क्या जाता है आपका p(x), तो p(x) एक्चुअली क्या होता है? यस मैम p(x) ये x² y माइनस ये आपका फॉर्मूले का नेगेटिव साइन, फिर उसके बाद क्या जाता है d/dx ऑफ व्हाट q(x), तो q(x) यहां पे किसके इक्वल है, किसके इक्वल है q(x) आपका मैम 2x के, शाबाश -2x के -2x और साथ में क्या आ जाएगा आपका y, ऐसे आता है ना, और साथ में फिर क्या आ जाएगा आपका r(x) आपका वही आ जाएगा, ये तो लास्ट वाला एज इट इज आ जाएगा, ये इसकी एडजॉइंट इक्वेशन हम लिखेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 पे आपकी इक्वेशन है और दिस इज द एडजॉइंट ऑफ इक्वेशन ऑफ नंबर 1। अच्छा अब इसको हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बनता है। ठीक, तो इसका पहले तो लेना है आपने एक डेरिवेटिव d/dx, तो पहले तो अप्लाई करो वन डेरिवेटिव, तो कैसे आ जाएगा ये आपके पास 2xy + x²y'। ठीक हो गया। अच्छा इसका ले लो अभी एक दो, इसका आ जाएगा ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट के अंदर खड़े रहते हैं फिर ब्रैकेट्स को हम लोग ओपन कर लेंगे। सही, तो ये आ गया मेरे पास -2y, फिर आ जाएगा -2xy' और +2y as it is। ठीक हो गया। अब अगेन आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2y + 2xy' + कैसे आ जाएगा x²y" + 2xy'। ठीक हो गया, ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर निकाल लो, प्लस 2 और अंदर क्या आ जाएगा y
प्लस एक्स वाई प्राइम, सही है? फिर क्या आ जाएगा आपका प्लस प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसको ओपन कर ले, इसमें से देखें क्या कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। यस, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास टू एक्स वाई डैश प्लस टू एक्स वाई डैश, फोर एक्स वाई डैश हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम, और फिर मेरे पास आ जाएगा यहाँ से प्लस फोर एक्स वाई प्राइम, फोर एक्स वाई प्राइम प्लस टू वाई प्लस टू वाई प्लस टू एक्स वाई प्राइम प्लस टू वाई, नहीं बन रही, कोई सेल्फ एडमांड नहीं आ रही, कोई और कोई एम लेनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ से आ रही है मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम, और ये आ रही है मेरे पास प्लस सिक्स एक्स वाई प्राइम, और ये पे मेरे पास आ रही है प्लस सिक्स वाई, ठीक है। तो ये ओरिजिनल इक्वेशन के बराबर नहीं आई। अच्छा, तो मतलब ये होनी भी नहीं थी। अच्छा, फर्स्ट मैंने नोट कर लिया, इज नॉट अ सेल्फ एडवांटेज, ठीक हो गया। अच्छा, इसको कन्वर्ट कैसे करना है वो तरीका बाद में आएगा, लेकिन ये है कि ये सेल्फ एडवांट नहीं है। एक और इक्वेशन में ले लूँ तो जो है वो क्वाड्रेटिक जॉइंट इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म दिस, और हमारे पास आ रही है एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, ये भी नहीं है, और एग्जाम्पल है। चलो मतलब अगर ओरिजिनल इक्वेशन के बराबर आ जाती है ना तो सेल्फ एडवांट हो जाती है। जैसे हमारे पास में खाली जेंडर इक्वेशन सेल्फ एडवांट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको खुद चेक कर लेना एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे इसने एग्जांपल में हल दिया कि नहीं दिया, लेकिन यह है कि अगर आप उसका एडवांट लो तो ओरिजिनल इक्वेशन के बराबर आ जाए तो वो सेल्फ एडवांट हो जाएगा। अच्छा, उसने कहा कि ये सेल्फ एडवांट नहीं है, लेकिन इसको ट्रांसफॉर्म करना है अपने सेल्फ एडवांट फॉर्म में, तो मैंने उसको गलत नोट किया, चलो सो सॉरी। लेकिन यह एक मेरा ख्याल है कि जेंडर इक्वेशन हो जाएगी, वन माइनस एक्स स्क्वायर इज सेल्फ एडवांट, उसको देख लेते हैं। एक्स उसमें जेंडर इक्वेशन क्या है आपके पास, लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है भला, सामा क्या होती है लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, ठीक है, माइनस टू एक्स वाई डैश, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये वो हम ऐसे लिख देते हैं उसमें एन एन प्लस वन, याद है बच्चों, ठीक है। इसका नाम क्या है, लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर ये किस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास वन माइनस एक्स स्क्वायर छोटी ब्रैकेट पेरेंथेसिस, और यहाँ पे माइनस दिस। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे एग्जांपल की हेल्प से, मतलब ये तो नहीं बनी ना, पहले वाली जो मैंने इक्वेशन लिखी थी वो तो नहीं बनी। अच्छा, तो यहाँ से जो है जब आप करोगे तो ये कैसे आ जाएगी आपके पास, मतलब अक्सर आमतौर पर हम लोग जो डायरेक्ट फॉर्म बनाई होती है ना, जो डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद हम उसे कर लेते हैं। अच्छा, तो कैसे आ जाएगी, ये मेरे पास t by dx, ये ब्रैकेट लगा लो वन टाइम डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस टू एक्स वाई, ठीक है, प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्राइम, और ये आ जाएगा मेरे पास माइनस, जो पहले अभी हम लोगों ने काम किया माइनस d by dx, और ये एक दो मेरे पास आ जाएगा माइनस टू एक्स वाई प्राइम, और ये आ जाएगा माइनस टू वाई प्राइम, और ये आपके पास जो है इसी जगह पे एन इन टू एन प्लस वन प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अच्छा, अगेन आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो कैसे आ जाता है आपके पास माइनस टू वाई, और ये आ जाएगा मेरे पास माइनस टू एक्स वाई प्राइम, और इसका डेरिवेटिव कैसे आ जाएगा माइनस टू एक्स वाई प्राइम, और ये आ जाएगा प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम। मैंने साथ ही ब्रैकेट्स भी ओपन कर दिया क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ब्रैकेट्स का। अच्छा, इसका डेरिवेटिव मैंने ले लिया हुआ है ना, पहले आपने माइनस टू एक्स ऐसे लिया वाई प्राइम माइनस फिर माइनस टू वाई आएगा, मैं वाई प्राइम नहीं आएगा, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सही हो गया। अच्छा, आगे क्या आ जाएगा आपके पास प्लस टू एक्स वाई प्राइम और प्लस टू वाई, और भी मेरे पास आ जाएगा लास्ट में एज इट इज प्लस एन इन टू एन प्लस वन इन टू वाई इज इक्वल टू जीरो। अब इसको कंबाइन कर देते हैं ना, मतलब जो हमारे टर्म्स हैं यहाँ से अगर आप नोट करते हो टू एक्स वाई प्राइम के ये कैंसिल हो रही है इसके साथ, ठीक है। तो अब आपको लास्ट में क्या बच रहा है वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ रही है वाई डबल प्राइम, और फिर आ रही है मेरे पास माइनस टू एक्स वाई प्राइम,
और ये भी कैंसिल 2y + 2y खत्म हो गया आपका, और फिर मेरे पास बचा प्लस n इंटू एन प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो देखो ये ओरिजिनल इक्वेशन के बराबर आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये वाली जो इक्वेशन है जो ओरिजिनल इक्वेशन है, सो लेजेंड्रे इक्वेशन इज अ सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये उसने डेफिनेशन दी है। अच्छा अब इसको मैं बंद करती हूँ जरा वीडियो को। अच्छा अब यहाँ पे जो है वो जरूरी नहीं है कि हमारे पास सारी इक्वेशन जो है वो सेल्फ एडजॉइंट हो, जैसे अभी पहली एग्जांपल देखी तो सेल्फ एडजॉइंट नहीं थी, लेकिन ये थी कि सेकंड इक्वेशन आपकी जो थी वो सेल्फ एडजॉइंट थी। अच्छा अब इस वाले थ्योरम में वो क्या कहता है, थ्योरम में कहता है कंसीडर अ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पी ऑफ एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस आर एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, वेयर पी ऑफ एक्स हैज अ कंटिन्यूअस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्यू ऑफ एक्स हैज अ कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड आर ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस एंड पी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑन ए टू बी। कहते हैं अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इक्वेशन 1 टू सेल्फ एडजॉइंट इज डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। इन अदर वर्ड्स मतलब कि जो आपका पास पी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है पी डैश एक्स शुड बी इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो ये उसने आपकी बताई है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो पहले हम लोग जो है वो कंडीशन को लेके चलते हैं बाय द डेफिनेशन दैट जॉइंट इक्वेशन ऑफ नंबर 1 इज, पहले तो डेफिनेशन उसने दे दी ना, मतलब वही वाली ले ली जो उसने ओपन करके डेरिवेटिव को लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे जो उसने दी हुई है कंडीशन, कंडीशन इज नेसेसरी, तो हम लोग इसमें सपोज कर लेंगे कि इक्वेशन जो 1 है वो आपकी सेल्फ एडजॉइंट है, ये उसने कही है ना, कहाँ गई ये डेफिनेशन। अच्छा अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो नेसेसरी कंडीशन फिर इसमें से कौन सी वाली होगी, हम इसमें से क्या चीज लेके चलेंगे, p prime of x equal to q x, ये हम लोग ये हमारी necessary होगी, necessary condition इसमें से कौन सी necessary होगी कि the equation one is self adjoint, और हम proof करेंगे कि हमारा जो p dash of x है is equal to q of x। इसको नोट कर लो, मतलब कि नेसेसरी कंडीशन क्या होगी इसकी, हम सेल्फ एडजॉइंट लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो पी प्राइम है वो क्यू ऑफ एक्स के इक्वल आ गया है। फिर हम इसकी सफिशिएंट कंडीशन लेके चलेंगे कि पी प्राइम इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, और फिर हम इसको प्रूव कर देंगे कि वो हमारी इक्वेशन जो है वो सेल्फ एडजॉइंट है, ठीक है। अभी उसने इस थ्योरम में उसने बताया नहीं कि कैसे आपने इसको बनाना है, वो नेक्स्ट एक और थ्योरम में, इसमें जस्ट वो कहते हैं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन के मुताबिक अगर सेल्फ एडजॉइंट है तो इसके मुताबिक क्या हो जाएगा, पहले तो उसने क्या किया डेफिनेशन के मुताबिक एक इक्वेशन नंबर जो 1 है उसके एडजॉइंट इक्वेशन लिख दी, मतलब डेरिवेटिव को ओपन करके ना, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। फिर कहता है इफ द कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड देन, अब ये जो कंडीशन उसने ली हुई है ना ये उसने सफिशिएंट कंडीशन पर लेके चला, बात फॉलो की बच्चों, लेकिन फिर भी आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट में। नेसेसरी में क्या होगा, हम इसको सेल्फ एडजॉइंट लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे कि 2 सेटिस्फाइड है, और सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा, हम इसको सेकंड कंडीशन को लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो सेल्फ एडजॉइंट है, बात फॉलो की, ठीक है। तो अब ये स्टार्ट वाला कहां से कर रहा है, किस कंडीशन से, 1 से, शाबाश सफिशिएंट कंडीशन से स्टार्ट कर रहा है। तो द कंडीशन इज सफिशिएंट, तो उसके बाद फिर जो है वो उसने ले लिया है कि नंबर 2 जो है वो आपको सेटिस्फाई होती है, तो सेकंड नंबर 2 से मुराद क्या है, p डैश ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x, मतलब 2 इतनी की है। अब अगले वाली जो बात उसने लिखी है ना p डबल प्राइम वाली, वो उसने खुद से लिखी, मतलब कॉमन सेंस यूज की, अगर हम p का प्राइम लेंगे एक और तो डबल प्राइम हो जाएगा, इसी तरह से जो राइट हैंड साइड पे q आ रहा है उसका q डैश हो जाएगा, तो ये उसने खुद से डेरिवेटिव एक लेकर रख लिया, क्लियर हो गया। अच्छा फिर वो कहता है सो 3 बिकम्स, अब इसके अंदर क्या क्या वो कर रहा है, जहां पे p प्राइम आ रहा है वहां पे वो q ऑफ x की रिप्लेसमेंट कर रहा है, और जहां पे p डबल प्राइम आ रहा है फिर वहां पे आपकी q प्राइम की रिप्लेसमेंट कर रहा है। तो इस इक्वेशन में देखो p ऑफ x की जगह पे p ऑफ x ही रहा, 2p प्राइम की जगह पे क्या आ जाएगा 2q ऑफ x आ गया, और माइनस q ऑफ x आ गया dy/dx प्लस ये जो p डबल प्राइम था इसकी जगह पे q प्राइम आ गया, प्राइम तो ऑलरेडी था, प्लस r ऑफ xy = 0, मतलब जस्ट p को इसने रिप्लेस किया, q को कुछ नहीं टच किया। तो जब देखो आपने किया यहाँ से, तो यहाँ पे जो डीवाई बाई डी एक्स है इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, क्यू ऑफ एक्स आ गया, और यहाँ से क्यू प्राइम के साथ क्यू प्राइम कैंसिल हो गया, जस्ट आर ऑफ एक्स वाई रह गया इज इक्वल टू जीरो। तो क्या शो कर रहा है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन जिसको 3 को हमने लिया था कि वो आपकी एडजॉइंट इक्वेशन है, तो वो किसके इक्वल आ गया, आपकी जस्ट ओरिजिनल इक्वेशन के इक्वल आ गया। तो वो क्या शो कर रहा है कि हमारी जो इक्वेशन है वो हमारी
यहाँ पे थ्री नहीं आएगा, यहाँ पे नंबर वन आएगा, इसको कैंसिल, इसको लिख लो यहाँ पे. सो थ्री इज द सेल्फ एडज्वाइंट इक्वेशन, ये थ्री नहीं आएगा. सो वन इज द सेल्फ एडज्वाइंट इक्वेशन. बात फॉलो की बच्चों? हो गया. अच्छा, अब कन्वर्सली में क्या लेके चलेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो सेल्फ एडज्वाइंट है और हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है, ये कंडीशन पी प्राइम इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, इसके इक्वल प्रूफ करना है. तो हम नेसेसरी कंडीशन अब लेके चलेंगे. तो कन्वर्सली इफ इक्वेशन वन एंड थ्री आर आइडेंटिकल देन क्या हो जाएगा. अब देखो वन एंड थ्री नहीं ले रहा यहाँ पे, वन एंड, हाँ ठीक है, वन एंड थ्री ही ले रहा. तो यहाँ पे जो है वो थ्री के मुताबिक क्या आ जाएगा, जब वो कह दिया है कि सेल्फ एडज्वाइंट है, इसका मतलब ये है कि जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो आपका दोनों बराबर हैं. फिर आपका जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोफिशियंट है वो भी दोनों बराबर हैं, ठीक. और अगर जो वाई के साथ कोफिशियंट है वो भी बराबर होना चाहिए. यहाँ तक समझ लगी बच्चों? ये लास्ट दो लाइनें जिसने लिखी हुई है, लास्ट तीन लाइनें, क्लियर हो गया. तो मतलब 2p प्राइम प्राइम x इज माइनस q ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x के इक्वल आ गया. p डबल प्राइम माइनस q डैश x प्लस rx इज इक्वल टू rx के इक्वल आ गया. यहां से फिर जब उसने इसकी सिंपलीफिकेशन की है तो यहां पे आपके पास आ गया p डैश x इज इक्वल टू q ऑफ x एंड p डबल डैश माइनस q डैश x इज इक्वल टू 0. ये भला कहां से आया? हम q ऑफ x इज इक्वल टू प्राइम ऑफ x उसने लगाया है, वो तो प्रूफ करना है ना. मैं वो तो जाकर ऐड हो जाएगा q ऑफ x से, तो उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा. शाबाश, तो यहाँ पे वो प्लस हो जाएगा ना. इधर आपके पास आ रहा है 2p डैश, इधर जब q x इधर चला जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा. दोनों साइड से उसने 2 कैंसिल कर दिया हुआ है, तो ये p डैश ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x आ गया. और जो ये वाला है ना यहाँ से p डबल डैश ऑफ x माइनस q डैश ऑफ x और प्लस यहाँ से आर एक्स कैंसिल कर दिया, मतलब एक्चुअली जो इस लाइन है ये वही लाइन, उसके आगे उसने सिंप्लीफिकेशन दी हुई है, ठीक हो गया. तो यहाँ से जस्ट उसने फिर वन वन जो है वो पिक कर लिया, पी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स. आगे उसने क्या किया, इसकी इंटीग्रेशन की है. तो जब उसने इंटीग्रेशन की है तो हमारे पास जो है वो देखो इसके वो इंटीग्रेशन कर रहा है एक्चुअली जो पी डबल डैश वाली है. वैसे तो डायरेक्ट भी आ गया आंसर आपका, आ गया है ना. इसमें से अगर आप एक ले लेते हो p प्राइम वाला तो डायरेक्ट आ गया हुआ है. तो दूसरे वाले को भी वो कहता है कि वो अगर हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे और हम लोग अपना जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को जीरो कर देंगे तो ये सेकंड वाला भी जो p डबल प्राइम लिखा है ना तो वो भी आपके पास आ जाएगा p प्राइम इज इक्वल टू q ऑफ x. सही हो गया. तो ये हमारे पास जो है वो प्रूफ हो गया, क्लियर हो गया. सिंपल था ना थ्योरम? जी नहीं, क्लियर हो गया, क्लियर, गुड. सॉल्यूशन दी हुई है, कहते हैं सपोज दैट द लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज सेल्फ एडज्वाइंट, देन द कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वन कैन बी रिटन इन द फॉर्म डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस आर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे उसने कह दिया सिंस डिफरेंशियल इक्वेशन वन इज सेल्फ एडज्वाइंट देन पी डैश एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स. सो यहाँ पे उसने जो है वो क्यू ऑफ एक्स पे पी डैश ऑफ एक्स लिख लिया है और जब प्रोडक्ट रूल उसने लगा दिया तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकता है. हो गया क्लियर बच्चों? क्रोली जो लिखी है वो क्लियर हो गई? जी मैम. हो गई. उसामा क्लियर होगी बच्चे? जी मैम. हो गई. मतलब क्यू डैश की जगह पे उसने जस्ट सॉरी क्यू ऑफ एक्स की जगह पे जस्ट पी डैश लगा दिया, बाद प्रोडक्ट रूल की वजह से उसको कंबाइन कर दिया तो उसने वो वैल्यू लगा दी उसकी. ताकि उसने बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल दी हुई है तो हमने पहले कर ली हुई है, ठीक हो गया. सेल्फ एडज्वाइंट फॉर्म ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ये उसने लिखी हुई है, इसको तुम लोग खुद देखना कैसे किया हुआ है. अब मैं तुम लोगों को एक थ्योरम कराने जा रही हूँ और तुम लोगों ने मुझे देख के बताना है, मैं वो करवाऊंगी फिर तुम लोगों ने बाद में इसको पढ़ना है. ये जो है ना लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, सेल्फ एडज्वाइंट फॉर्म ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तुम लोगों ने बाद में पढ़ना है. तो पहले तुम लोगों को मैं एक ना थ्योरम करवा दूँ और उसमें फिर मैं जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो फिर तुम लोगों को मैं ना इसी पिक्चर बना के सेंड करती हूँ. बुक कोई और है, वो इंडियन ऑथर की है, उसमें उसने किया हुआ था ये काम. कहता है पढ़ के पहले बता दूं फिर मैं उसके बाद पिक्चर सेंड करती. कहता है इफ द कोफिशिएंट ए नॉट एक्स ए वन एक्स ए टू एक्स इन द इक्वेशन, मतलब वहां पे वो पी क्यू एंड आर की जगह पे ले रहा है, ए नॉट और ए वन और ए टू की फॉर्म में ले रहा है, ठीक है. तो आप लोगों ने इसको प्लग इन कर लेना अपने इसी डेफिनेशन के मुताबिक. तो कहता है देन इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इन इक्विवेलेंट सेल्फ एडज्वाइंट इक्वेशन. और उसके बाद उसने जो है वो इसको डिवाइड कर दिया हुआ है इसके साथ. पहले तुम्हारी क्लास टाइम में तरह गए, पहले मैं उसको पिक्चर सेंड ही कर देती हूँ बना के ताकि तुम इसको देख सको. ग्रुप में साथ ओपन हो जाएगी ना आप लोगों के?
साथ ओपन हो जाएगी जब अपनी क्लास के दौरान में? नहीं बोल चाहिए तुम लोग, लगता है रोजा ज्यादा ही लग गया। कितनी क्लास हो गई इस बार की मैम? या व्हाट्सएप होगी ऑन या फिर ये आपकी स्क्रीन ऑन होगी? अच्छा एक चीज होगी, चलो कोई नहीं, इसको बंद भी कर लोगे तो कोई मसला नहीं, इसको बंद कर लेना आप लोग। अच्छा उसमें जो उसने क्वेश्चन, मैं उसको तीनों पेज भेजती हूँ, उसमें जो उसने लिखा हुआ है ना किसी क्वेश्चन को, उसने पी क्यू एंड आर की जगह पे लिखा हुआ है, पी को ए नॉट लिखा हुआ है, क्यू को उसने ए वन लिखा हुआ है और आर को उसने ए टू लिखा हुआ है, तो आप इसके मुताबिक फिर अपने थ्योरम को देख लेना। ठीक है बच्चों, मैं इसका पहला पेज भेजती हूँ आपको, सारा भेज देती हूँ, ठीक है ना, सर उसको पढ़ लेना की कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, बस वो एक इंटेग्रल ही है तो उसको देखिए भेज देना। मेरा ख्याल तो थ्योरम होगा इसके अंदर, लेकिन उसने शामिल नहीं किया इसके अंदर। और सुबह की कितनी क्लासेस हुई आपकी? एक मैम हुई है, पहली हुई है और सेकंड मेरी है, और नेक्स्ट आप आ जाते हैं। उसमें से कुछ आपको विजिबल होगा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये है कि वो स्टेटमेंट जो मैंने शो करी है वो सेकंड पेज पे है तो वो नजर आ जाएगी आपको, नॉट वरी। लेकिन मैं सारी भेज रही हूँ, इसमें अगर आप लोगों ने देखना होगा कंपेयर करना हो तो कर लेना है, जो आपके नोट्स ये वाले नोट्स। मैम मिड का सिलेबस कितना होगा? ये जो लेक्चर है ना ये शामिल करके मैम ये लास्ट लेक्चर होगा फिर हमारा। हाँ बस ये खत्म हो रहा है, इसमें सिमेट्रिक ऑपरेटर रह गया बस आपका, ग्रीन फंक्शन की डेफिनेशन छोटी सी रह गई, सही तो ये कंप्लीट हो गया आप लोगों को। इसमें ज्यादातर जो आपके है ना बच्चों, उसमें ज्यादा आपकी यही है डेफिनेशंस वगैरह आई हैं। आप ग्रुप के नाम क्या है आपकी क्लास के? मैम बीएस 6 इवनिंग। मिल गया। सर मैंने शेयर किया है इसका, जो आपका सेकंड पेज है ना, सेकंड पेज नोट्सों का होगा, चाहे मेरे से स्क्रीन बंद कर लो अगर आपकी बंद होती है तो, सेकंड पेज पे जो थ्योरम है इसकी जरा स्टेटमेंट देखो, ओपन हो गया। जी मैम ना, तो जो थ्योरम लिखा है ना थ्योरम टू, उसको देखना जरा, पहले तो देखो ना जो मैंने इसलिए पहला पेज शेयर किया ताकि आप उसके नोटेशंस को देख लो, आपके नोटेशंस में क्या क्या आ रहा है और उसके नोटेशन में क्या क्या आ रहा है। आपके नोटेशंस में क्या क्या था? P, Q और R थे हमारे पास। शाबाश, आपका P, Q और R था, और इसका क्या है? A not A one A two. A not A one or A two. मतलब P की जगह पे A not लिख दिया उसने, और Q की जगह पे उसने जो है वो आपका A one लिख दिया है, और फिर उसने जो है वो आपकी जो लास्ट है R की जगह पे उसने लिख दिया आपका A two लिख दिया, ठीक है? मैं जरा इसको ओपन कर लूँ और फिर मैं इसको जो है वो साथ शेयरिंग कर देती हूँ, लेकिन समझाऊंगी मैं इसको बोर्ड पे आपको कैसे करना है, ये स्टेटमेंट आ गया देख लो, जस्ट ये है कि आप ये हो जाए, नजर आ गया जी मैम? हो गया, ये थ्योरम जब भी आप लोग करके हटे हो सेल्फर ज्वाइंट इक्वेशन वाला, सही हो गया ये उसने किया आपका, तो ये नेसेसिटी कंडीशन से ले ली, उसके बाद उसने सफिशिएंट कंडीशन लेकर तो उसको प्रूव कर दिया। अच्छा ये थ्योरम है, प्रॉब्लम भी हो गई आपकी ये वाली अभी भी। अच्छा ये थ्योरम नंबर टू है, कहता है इफ द कोफिशिएंट्स a नॉट x a वन x a टू x इन द इक्वेशन, ये जो आपकी इक्वेशन है जो p r की फॉर्म में है, कहते हैं r कंटिन्यूअस ऑन a b एंड a नॉट, मतलब जहां पे p था ना वहां पे उसने a नॉट लिख लिया, नॉट इक्वल टू 0, देन इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इक्विवेलेंट सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन, जो सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन की डेफिनेशन अभी आपने की है ना, जिसको प्रोडक्ट रूल लगा के तो कंबाइन कर दिया, तो कहते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, उसने यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू p, यहाँ पे एक कोई और चीज़ है, आप लोग यहाँ पे कुछ और स्मॉल p ले रहे हैं ना, तो कहते हैं स्मॉल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ a1x बाय a नॉट x dx और q ऑफ x इज इक्वल टू दिस, इसको पढ़ लो फिर हम जैसे नई क्लास शुरू करते हैं ना इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ बोर्ड के ऊपर, ठीक है? दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लेना, लेकिन इसको पहले सिर्फ समझ लो स्टेटमेंट को। देख लिया
देख लिया। अच्छा करना कैसे इस थ्योरम को आप लोगों ने करना, जस्ट ये है कि जो आपको उसने p ऑफ x दिया हुआ है ना, उसके साथ आपके पास वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो लिखा हुआ है एज इट इज, आपने इसको इस पर डिवाइड कर देना, लेकिन साथ में कोफिशिएंट 1 बाय a नॉट ले लेना। और वो जब आप उसको ले लोगे तो उसके बाद फिर आपने इसको जो है वो रीअरेंज करके देख लेना है, यहाँ तक फिर आप लोग पहुँच जाओगे जो उसने कहा हुआ है कि सेल्फ एडजॉइंट को मेयर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको देख लो फिर मैं इसको बोर्ड पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डिवीजन जहाँ पी की है मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाओ तो यहाँ पे आ जाएगा पी ऑफ एक्स इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, हो गया मल्टीप्लाई हो गया जस्ट पहले के साथ। अच्छा प्लस इसी फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाओ आप इसके साथ, तो प्लस वन ओवर पी एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ इंटेग्रल क्यू ऑफ एक्स ओवर पी ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपने फैक्टर मल्टीप्लाई करवाया किसके साथ, क्यू एक्स डी वाई बाई डी एक्स के साथ, क्यू एक्स वाई प्राइम मैंने लिख लेती उसको इसके साथ, इसी को आपने मल्टीप्लाई करवाना है प्लस वन ओवर पी ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ इंटेग्रल क्यू ऑफ एक्स ओवर पी ऑफ एक्स डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करवाया, आर ऑफ एक्स इन टू वाई इज इक्वल टू जीरो। समझ आएगी यहाँ तक, क्लियर हो गया जी मैम? हो गया क्लियर। अच्छा अगर आप नोट करते हो इसमें से जो है आपका जो पहला वाला एक्सप्रेशन है ना, इसमें से आपका ये जो पी एक्स है ये वाला, ये देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है इसके साथ, बन गया जी मैम? हो गया। अब आपके पास बच क्या रहा है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ये इंटेग्रल क्यू, मैं सिंपल क्यू एंड पी की फॉर्मूले से लेती हूँ, ये अंडरस्टूड है कि क्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये डी एक्स, और यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, वाई डबल प्राइम, बन गया। प्लस मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ से देखो, मैं उसको लिख सकती हूँ क्यू बाय पी, ये वो क्यू वो वाला और पी ये वाला नीचे वाला, और साथ में आपके पास आ जाएगा ई एक्स पी ऑफ इंटेग्रल क्यू ओवर पी इंटू डी एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास वाई प्राइम, हो गया यहाँ तक। प्लस वन ओवर पी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ आ रहा है आपका इंटेग्रल क्यू बाई पी डी एक्स, साथ में आपके पास इधर आ जाएगा आर और इधर आ जाएगा आपका वाई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा अब आपकी मर्जी है, आप इसको इसी सेंस में देख लो, आपकी मर्जी है कि आप इस पूरे इस कोफिशिएंट का नाम जो है इसका नाम कुछ रख लो और इसका नाम कुछ रख लो यहाँ से, ठीक है, और फिर देख लो कि क्या हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है अगर हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या सेकंड एक्सप्रेशन के बराबर आ रहा है, मतलब पी प्राइम लेते हो तो क्या वो आपके पास जो है वो ए वन के इक्वल आ रहा है, मतलब उसने क्या किया अगला काम जो आपको मैंने नोट्स पर शेयर किया ना, उसने बजाय इसके कि मतलब इसको इसी फॉर्म में रख लिया, उसने इसको इसका नाम उसने रख दिया है ए नॉट रख दिया है, इसको लिख दिया उसने ए नॉट, ठीक है, ए नॉट वाई प्राइम, और इसका नाम उसने रख दिया है प्लस ए वन प्राइम, इतना रख दिया है, और लास्ट वाले का रख दिया है प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू जीरो, काम समझ आए। फिर वो कहता है कि हम देख सकते हैं कि ए नॉट प्राइम जो है वो ए वन के इक्वल है, ये जो मैंने ए नॉट रखे हैं कि समझ आई आपको? जी मैम। आगे क्या कहते हैं, ए नॉट प्राइम अगर हम लेते हैं तो ए वन के इक्वल है। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई अगर मैं ए नॉट का, ए नॉट एक्चुअली क्या रखा उसने इस पूरे का नाम, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ तो आपने देखना है कि क्या वो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमने बस चेक करना है, मतलब उसने तो लिख दिया इसको कि इसके बराबर है, तब हम चेक कर लेते हैं। तो चूंकि यहाँ मेरे पास स्पेस कम है मैं इसको टॉप पे चेक कर लेती हूँ, ए वन मेरे पास क्या है ये वाला, ठीक है, ए वन मेरे पास है ये वाला, अब मैं इसका डेरिवेटिव लेने जा रही हूँ इस वाले एक्सप्रेशन का, तो पहले तो मैं लिख लू ए नॉट मेरे पास किसके इक्वल है, तो ए नॉट मेरे पास इक्वल है, दिस इज इक्वल टू
एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये, और इसकी जो है वो मतलब एक्चुअली ये पावर में है, ई की पावर में ऐसे आई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिखती हूँ ना, ये मेरे पास है ई की पावर में इंटेग्रल ये क्यू ऑफ एक्स ओवर पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ये है, ठीक है। और इसका नाम उसने क्या रखा हुआ है, ए नॉट, ऐसे ही है ना। अच्छा अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो, डेरिवेटिव लो जरा ए नॉट का, ए नॉट प्राइम। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता होता है, मतलब फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा, e की पावर में ये इंटीग्रल q ऑफ x ओवर p ऑफ x इनटू dx, साथ में क्या आ जाता है पावर में जो एक्सप्रेशन होता है कैसे आ जाएगा, d बाय dx ऑफ जो पावर में है, पावर में क्या क्या है मेरे पास, इंटीग्रल है वो मेरे पास, वहां पे q ऑफ x है बटा पी ऑफ एक्स है और डी एक्स है। हो गया क्लियर? जी मैम। क्लियर हो गया। डेरिवेटिव से इंटीग्रल कैंसिल। जी मैम। खत्म हो गया। आपके पास क्या रह गया, क्यू बाय पी, यही रह गया ना। तो ये किसके इक्वल आ गया, क्यू बाय पी बाहर आ जाएगा, क्यू ऑफ एक्स बाय पी ऑफ एक्स और ई की पावर ये इंटेग्रल क्यू बाय पी जो है वो डी एक्स आ जाएगा। अब मुझे देख के बताओ ये किसके इक्वल आ रहा है। उसमें क्या था भला, शाबाश आ गया है ना, मतलब जो आपके पास जो वाई डैश में है उसका जो कोफिशियंट है वो फर्स्ट जो y डबल डैश का कोफिशियंट है उसका डेरिवेटिव के इक्वल आना चाहिए, तो वो इसके इक्वल आ गया है। इट मींस कि हमारी जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है जो मैंने ब्लू में लिखी हुई है, ये क्या है इक्वेशन, ये हमारी सेल्फ एडज्वाइंट है। तो अगर ये सेल्फ एडज्वाइंट इक्वेशन है तो हम इसको फिर किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिखवा था ना मुझे जो क्रोलियो भी की थी, डी बाय डी एक्स, फिर उसने कैसे लिखा इसको, पी ऑफ एक्स ऐसे लिखा था ना, मतलब कैसे आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ये आ जाएगा ई एक्स पी की फॉर्म में लिख देती हूँ, ई एक्स पी और ये इंटेग्रल क्यू बाय पी डी एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा आपका, साथ में भला क्या आ जाएगा बच्चों, वाई और प्लस वो जो लास्ट वाला है वो पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस आर ओवर पी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ इंटीग्रल q बाय p dx और साथ में आ जाएगा y is equal to 0। सही हो गया। अब दोबारा मुझे थ्योरम में इसकी जरा बंद करती हूँ और वो शेयरिंग में चलती हूँ जो मैंने अभी शेयरिंग की थी आपको, वो आपकी a नॉट और a1 की फॉर्म में होगी, तो आपने उसको कंफ्यूज नहीं करना, बस इस तरह से याद रखना है कि अभी इसमें इसने क्या बताया, ये छोटी नजर आ रही है इसलिए थोड़ी मुझे बंद करनी पड़ेगी। अब जरा देखो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में आपके पास क्या है, उसने लिखा ये एक्सप्रेशन इसको ए नॉट और ए वन की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ए टू, लेकिन फिर मैंने इसको क्योंकि आपने पी की फॉर्म में पढ़ा था इसलिए मैंने पी की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया। वो कहते हैं कि दिस कंटिन्यूअस देन इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इक्विवेलेंट सेल्फ एडज्वाइंट इक्वेशन डी बाय डी एक्स पी ऑफ एक्स डी बाय डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। वो कहते हैं यहाँ पे पी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए वन ओवर ए नॉट एक्स डी एक्स, एंड क्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ए टू बाय ए नॉट एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ दिस। तो मुझे आपने देख के बताना है, आपने पहले माइंड में रख लो कि क्या क्या लिखने लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा यहाँ पे वाई प्राइम आना था ना, वो गलती से लिखा हुआ है, वाई प्राइम है बच्चों, ये तभी तो वाई बनता है ना अगर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हो तो, सही है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ क्यू बाई पी डी बाई डी एक्स, तो वो उसने जो p है उसको क्या लिया हुआ है आपका, q by p, सही, इसको याद कर लिया, माइंड में रख लिया, d by dx p of x dy by dx plus q of x is equal to y। वो कहता है p किसके इक्वल है हमारा, अब मैं इसके साथ में आपके मोबाइल ऑन करती हूँ, वीडियो ऑन करती हूँ। कहते हैं वो लिखा कैसे जा सकता है, d by dx p p of y dash plus वहां पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है उसने आपका,
इसके द्वारा मुझे देखना पड़ेगा, ए ये बात करती हूँ। प्लस कैसे लिखा हुआ है इसने आपका, ए पी के साथ प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो वहां पे कह रहा है पी हमारा इसके इक्वल है और क्यू हमारा जो है वो इसके इक्वल है। नजर आके दोनों याद कर लिए पी एंड क्यू। ओके क्लियर। मैं बोर्ड खुद बंद किया, पहले जरा इसको देखो। P क्या है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए वन एक्स ओवर ए नॉट एक्स डी एक्स, और Q ऑफ एक्स क्या है आपका ए टू एक्स ओवर ए नॉट एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए वन एक्स ओवर ए नॉट एक्स। ये याद हो गया, माइंड में मैंने कब बिठा लिया इसको। जी मैम हो गया। अब देखो जो हम लोगों ने काम किया, ये P ऑफ एक्स क्या आ गया मेरे पास, ये क्या ये वही नहीं है जो उसका एक्सप्रेशन है ए नॉट और ए वन की फॉर्म में। इसके जरा बात करती ताकि आपको नजर आ जाए, ये देखो ठीक है। जो मेरा p of x है वो क्या है, स्मॉल p of x क्या आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ q by p dx, और जो मेरे पास उसने q of x लिखा है, स्मॉल q of x लिखा है, वो क्या लिखा है r by p एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ q by p dx y। हो गया, तो ये उसने काम किया ये वाला, ये उसका p है स्मॉल p है और ये उसका स्मॉल q है। लेकिन बस आपने इतना माइंड में रखना है, जितना थ्योरम जो मर्जी हो, मतलब हमारा प्रूफ तो हो गया ना वो वाला, लेकिन थ्योरम माइंड में रखना है कि किसी भी इक्वेशन को आप सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कर सकते हो ना। जो जो भी आते हुए, अच्छा ये मुझे बताओ थ्योरम किसी को समझ नहीं आया, सबको क्लियर हो गया मैम? ये जो बुक से थोड़ी ये समझ नहीं आ रही कि बुक पे कैसे मतलब लिखी है उन्होंने, वो मैम बाकी स्क्रीन वाला तो समझ आ गया सारा जो आपने समझाया था। अच्छा मैं इसको बुक से भी रिलेट कर देती हूँ, इसके साथ वीडियो बंद करके ना स्क्रीन शेयरिंग से समझा देती हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो उसने क्या किया, आपको ये तो पता चल गया ना कि आपका वो पी क्यू एंड आर की फॉर्म है, मतलब कैपिटल पी को वो ले रहा है ए नॉट, कैपिटल क्यू को वो ले रहा है ए वन स्मॉल ए वन, और कैपिटल आर को वो ले रहा है आपका ए टू। ठीक हो गया। कहता है कि हम किसी भी इक्वेशन को सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। फिर वो एक्सप्लेन कर रहा है कि पी ऑफ एक्स एक्चुअली क्या है उसका, तो कहते हैं पी ऑफ एक्स हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ इंटेग्रल ए वन एक्स ओवर ए नॉट एक्स डी एक्स, और क्यू ऑफ एक्स क्या है उसके पास ए टू एक्स ओवर ए नॉट एक्स, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा अब हम लोगों ने क्या किया, हमने ये पहले इक्वेशन उसने लिखी, उसके बाद उसने क्या किया पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया वन ओवर ए नॉट एक्स, जैसे हम लोगों ने किया वन बाई पी एक्स के साथ किया, एक्सपेंसिव फंक्शन ऑफ क्यू बाई पी डी एक्स के साथ किया। ठीक है, उसने भी यही काम किया। अगले स्टेप में वो क्या कर रहा है, इसको ए वन और ए नॉट की फॉर्म में लिख रहा है ना कैपिटल ए नॉट, इसको उसने चूंकि इसका इंडेक्स उसकी जो एग्जाम्पल है ना उसके मुताबिक उसका जो डी टू वाई बाई डी एक्स के का इंडेक्स क्या होता है स्मॉल ए नॉट, तो उसने उसी से रिजेंबल करते हुए इसको कैपिटल ए नॉट लिख दिया, इसको कैपिटल ए वन लिख दिया, इसको कैपिटल ए टू लिख दिया। फिर वो कहते हैं कि अगर हम देखें कि हमारे पास जो ए जो ए नॉट है एक्चुअली वो डेरिवेटिव किसका बन रहा है ए वन का बन रहा है, अब अगर ये इसका डेरिवेटिव बन जाता है तो ये किसकी कंडीशन है सेल्फ एडजॉइंटनेस की कंडीशन है। तो उसने फिर अगला काम क्या किया, उसने पहले तो इसको लिख दिया एज इट इज लिख दिया दोबारा से, मतलब कुछ भी नहीं किया दोबारा से, ये जो आपके लाइन लिखी है ना इसकी बॉटम पे ये लास्ट पेज जो पिछला पेज है ये वाला सेकंड पेज, इसको दोबारा से यहाँ पे उसने लिख दिया, ये लिख दिया। और फिर उसके बाद उसने इसको कंबाइन करके वो डेरिवेटिव वाला जो एक्सप्रेशन है ना वाई डैश वाला जो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है आपके बोर्ड में, जो मैंने बोर्ड में समझाया उसमें मैंने जो लिखा हुआ है उसकी फॉर्म में इसको लिख दिया। और फिर उसने कह दिया कि वो जो पहले वाला एक्सप्रेशन है उसको उसने पी ऑफ एक्स कह दिया, और जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है वाई के साथ उसने उसको क्यू ऑफ एक्स कह दिया। नहीं बच्चो नहीं समझ आई, जी मैम आ गई आ गई। भला ये कैसे लिखा है ये सेकंड आइंस्टाइन मरियम कैसे लिखा शहर मैम, यही जैसे हमने वहाँ ए नोट एक्स को मतलब डेरिवेटिव हमने लेके पुट किया था ना अपनी वैल्यू से, इधर इन्होंने ए वन के साथ लेके किया है। और ये जो लास्ट लाइन जो मेरा कर्सर है उसको कैसे लिखा मैम, इधर से फिर जो जैसे हमने पी ओ फैक्स निकाली थी ये जो एक्सपोनेंशियल वाली है ये हमारी पी ओ फैक्स इधर इस फॉर्म के साथ होगी ना ए वन वाली फॉर्म में, वहाँ हमने पी एक्स और क्यू एक्स वाली में लिया था और क्यू एक्स जो उसमें
तो अभी देखो ये जो इसकी जहां मेरा कर्सर है इसको जरा देखो, और मैं इसके साथ में वीडियो ऑन करती हूँ उसको देखो जरा। तो ये जो हमारी लास्ट लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन हमारी, जो ये वाली लाइन है उसकी, जो इसकी ये वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन है, प्रोडक्ट रूल लगा दिया उसने। वो कहते हैं एक्चुअली जो मेरे पास ये है वो इसका डेरिवेटिव बन रहा है, तो उसने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा दिया। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा पी ऑफ एक्स ये, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसने वाई प्राइम ले लिया, जब आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे, डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, तो वो दोबारा से ये दो टर्म्स आपके बन जाएंगे, वो उसकी एन ऑर्ड और ए वन की फॉर्म है ये देखो। और जो लास्ट वाली है वो आपके आर वाली, आर बाई पी वाली, उसको उसने जो है वो आपका स्मॉल क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म लिख दिया है, ठीक हो गया। टाइम कितना हुआ, मैं इसकी एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ जिसको ट्रांसफॉर्म करना तुम लोगों ने सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म में, दो बजे चार मिनट इसकी क्लास है आपकी। अगली है क्लास आपकी मैकेनिक्स की, बस इक्वेशन लिख लो उसको, आप लोगों ने खुद कन्वर्ट करके लाना है अगली क्लास में। जो जैसे मैंने आती लिखी थी एग्जांपल, x स्क्वायर y डबल प्राइम माइनस 2xy प्राइम, स्टार्ट हो गया आपकी क्लास को, प्लस 2y इज इक्वल टू 0 नहीं होगी, बस इसको एक मिनट में देख लो। ये इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट नहीं है, ये इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट नहीं है। वो कहते हैं इसको सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कीजिए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 ओवर, तो 1 ओवर पी क्या बनता है, 1 बाय x स्क्वायर और e की पावर में इंटीग्रल q बाय p। तो q कितना है आपका माइनस 2x, ओवर p कितना है एक्स स्क्वायर डी एक्स, इससे आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये आपकी सेल्फ एडजॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब देखो पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वो आप लोगों ने देखने के ये क्या बनता है। तो सिंप्लीफाई करो जरा इसको, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ई की पावर में क्या आ रहा है, यहाँ से एक्स से एक्स कैंसिल, और ई की पावर में क्या रहेगी आपका माइनस 2 ओवर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ई की पावर में आपके पास क्या आ जाएगा माइनस, इसकी इंटीग्रेशन करो सही एक्सप्रेशन में क्या है, 1 बाय पी एक्स इंटेग्रल क्यू ऑफ एक्स, मतलब आपने किससे मल्टीप्लाई किया था 1 ओवर पी एक्स पी ऑफ एक्स और e की पावर में q of x over p of x dx, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी सेल्फ एडवांस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसे कन्वर्ट किया। अब देखो जो e की पावर में माइनस 2 log of x है वो क्या कर देगा उसको, वो किस में कन्वर्ट कर देगा उसको, शाबाश, और वो क्या रह जाएगा, शाबाश, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 over x square, और ये आ जाएगा e की पावर में जो आप लोग करोगे तो आपके पास आ जाएगा x की पावर माइनस 2 आ जाएगा, और फिर ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय x 4, सही हो गया। तो अगर आप इसको 1 बाय x 4 में कन्वर्ट करोगे तो फिर ये आप हमारी जो इक्वेशन है ये सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन बन जाएगी। मतलब अगर आप इसका फिर आप एडजॉइंट आपने खुद आप इसका चेक कर लेते हैं, तो अगर आप इसका एडजॉइंट लोगे पहले तो आपने इसको मल्टीप्लाई करवा लेना इसके साथ, तो ये देखो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 ओवर x स्क्वायर y डबल प्राइम माइनस 2 ओवर x क्यूब y प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब जरा इसकी एडजॉइंट इक्वेशन निकालो जरा, इस इक्वेशन के नंबर 1 के 2 बाय x की 4 थी ना, तो वो एक x पहले इसका पड़ा हुआ है, हाँ 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 थैंक यू, x 4 ठीक हो गया। अब इसका एडजॉइंट इक्वेशन बनाओ, कैसे बनाते हो एडजॉइंट इक्वेशन, क्या होती है भला, डी टू बाय डी एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स क्या है इसका 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई माइनस डी बाय डी एक्स, क्यू ऑफ एक्स इसका क्या है, नई इक्वेशन का, ये वाली इक्वेशन का क्यू ऑफ एक्स इसके बराबर है माइनस 2 ओवर एक्स क्यू और साथ में वाई और लास्ट में टर्म एज इट इज आ जाएंगे 2 बाय एक्स 4 वाई इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने क्या लिख दिया है इसकी एडजॉइंट इक्वेशन ऑफ 1, उसकी नहीं लिखनी, इसकी लिखनी है। अब इसका डेरिवेटिव लो जरा क्या बनेगा, पहले एक डेरिवेटिव अप्लाई करो डी बाय डी एक्स, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब वाई
और प्लस आ जाएगा वाई प्राइम ओवर एक्स स्क्वायर, और जब इसका लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस, इसको बाहर निकालो प्लस कर लो, इसको प्लस आ जाएगा, डेल कैसे आ जाएगा आपके पास माइनस सिक्स ओवर एक्स फोर वाई, और प्लस आ जाएगा हमारे पास टू ओवर एक्स क्यूब वाई प्राइम, और प्लस टू ओवर एक्स फोर वाई एस डीज आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, हो गया। अच्छा अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये नहीं सीखा डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास, इसका एक और डेरिवेटिव लो तो क्या बनेगा, पॉजिटिव सिक्स आ जाएगा ना, सिक्स ओवर एक्स क्यूब वाई माइनस टू ओवर एक्स क्यूब ब्रैकेट खोल लो एक्स क्यूब वाई प्राइम, और प्लस आ जाएगा आपके पास वाई डबल प्राइम ओवर एक्स स्क्वायर, और माइनस आ जाएगा टू वाई प्राइम ओवर एक्स क्यूब, और बाकी सारा माइनस सिक्स वाई ओवर एक्स फोर प्लस टू वाई प्राइम ओवर एक्स क्यूब, मैं नीचे करती हूँ उसको, टू बार एक्स फोर वाई इज इक्वल टू जीरो। सही हो गया मैम, फर्स्ट पे सिक्स ओवर एक्स की फोर नहीं आएगा। हाँ सिक्स बाय एक्स की फोर थी, ठीक हो गया वाई माइनस टू बाय, बाकी सारी चेक कर लो सारा कुछ, आई माइनस प्लस वाई बाय डबल एक्स, और इसके बाद जो है वो आपके पास आ जाएगा ये सारा माइनस टू बाय, बाकी देख लो जरा। अब इसमें से कैंसिलेशन वगैरह क्या हो रही है, नहीं हो रही, ये हो रही है, हो रही है, हो रही है मैम, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और देखो कोई टू बाय एक्स क्यूब जी मैम, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बाकी क्या क्या बचा आपके पास, वाई डबल प्राइम वाई डबल प्राइम ओवर एक्स के, कौन है, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस टू वाई प्राइम ओवर एक्स क्यूब, और आ जाएगा आपके पास प्लस टू बाय एक्स पावर फोर वाई इज इक्वल टू जीरो। क्या देखो ये क्या इसके बराबर आ गए, तब आपके पास क्या आ गया मेथड के किसी भी इक्वेशन को सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन में। तो आज की मेरे हाथ में काफी है, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, तो अल्लाह हाफिज़।